तो गाइस ऐसे मैं दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बताने वाला हूँ जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कौन से चीज़ के लिए मैं कौन सा आइटम, मेरे पास बहुत है लेकिन दो आइटम का पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये बाइक के लिए जो चार्जिंग आता है मोबाइल वाला, उसके लिए मैं ये वाला लाया हूँ। और एक वाइब्रेशन सेंसर है भी बाइक के लिए, अगर आप उसमें लगा देते हैं तो आपकी बाइक को कोई भी टच करेगा तो वो बीप करना शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल 50 रुपये का प्रोडक्ट है, ये 20 रुपये का प्रोडक्ट है। चलिए साइड बाय साइड भले। दिखा देते हैं तो देखिए, ये 20 रुपये का प्रोडक्ट ऐसा कुछ आता है, देख सकते हैं। ये एक 2 एम्पियर का चार्जर है, इसमें 12 से लेकर 24 वोल्ट तक आप जितना भी देंगे ये आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर देगा। तो इससे आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। वैसे भी गाड़ियों में पहले से इनबिल्ट मोबाइल चार्जिंग आता है, लेकिन इसको अगर जिस पुरानी गाड़ियों में जिसमें नहीं है बाइक में, तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो कुछ करना नहीं होता है, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लस और माइनस, दो वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ USB कनेक्ट करेंगे और आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखता है, देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रोडक्ट दिखाते हैं जो कि ये वाइब्रेशन सेंसर है। इसको खास तौर से बाइक में इस्तेमाल के लिए लाया हूँ मैं, तो इसको बाइक में यूज करेंगे, दिखाएंगे कैसे यूज करेंगे। पहले इसको खोल के देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ खोलने के लिए दिया है, खुल गया। और इसके अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल है और कुछ भी नहीं है, साइड में रखते हैं। अब देखिए, एयर आओ मॉड्यूल और इसमें एक सेंसर लगा है। तो इसमें एक गोली टाइप दिया होता है, देखिए आवाज भी करेगा, हिलाने पे इसमें आवाज करता है। ये सेंसर है और यहाँ से आप सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टच होने पे चलना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा हिलने पे चलना चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ सीधे सीधे लिखा गया है, देखिए ये बीच वाला ग्राउंड है, यहाँ सिंपल दिखाई दे रहा होगा, बीच वाला ग्राउंड है, साइड वाला प्लस का है और यहाँ से जो बीप के लिए जुड़ेगा बर्जर, वो बर्जर लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो सिंपल ये मॉड्यूल है और इसको बाइक में इस्तेमाल करेंगे। और ये पड़ा है 50 रुपये का मॉड्यूल, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे 2 LED भी है, ये दोनों LED है, देखिए यहाँ पे एक सेंस करेगा तब जलेगा और एक पावर जाएगा तो जलेगा, पावर रहेगा तो जलेगा, सेंस करेगा तो जलेगा। चाइना में भी कुछ लिखा गया है, ऑफकोर्स ये चाइना मॉड्यूल ही है। तो इसको दोनों को हम बाइक में यूज करेंगे, एक चार्जिंग के लिए यूज करेंगे मोबाइल के और एक अपने सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे, मतलब हमारे अलावा कोई भी अगर बाइक को टच करता है तो तुरंत अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं।